आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जितनी वैक्सीन नहीं है उससे ज्यादा तो लोगों ने इससे बचने के घरेलू उपाय सुझाए हैं। अब इंसान पढ़ा लिखा ना हो तो ऐसा जायज है कि कम समझदारी में ऐसी बातों पर विश्वास कर भी सकता है, पर अगर किसी देश के स्वास्थ्य मंत्री ही ऐसी अफवाह का स्रोत हों तो क्या ही कहें। आपको बता दूं कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की स्वास्थ्य मंत्री का मानना था कि एक चमत्कारी पेय नामक पोषण पीकर वह कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रह सकती हैं, पर उनकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा तब उठा जब उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया। कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप किसी ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी सोच और कृतियां जनता को प्रभावित करती हैं। अगर आप किसी बात का बिना तथ्य अनुसरण कर रहे हैं तो जनता भी अफवाह को सच मानने लगती है, तो खुद भी अंधविश्वास ना करें और दूसरों को भी ऐसी अफवाहों पर विश्वास करने से रोकें। नमस्कार, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ मैं खुशबू। स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें अप टू डेट। तो बिना देर किए जल्दी से बता देती हूँ आज किन किन चीजों पर बात होगी। सबसे पहले बात होगी नए स्ट्रेन के ऊपर। इसने अगर किसी पर अटैक किया और वो इंसान पहले ही एक बार कोरोना से इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुका है तो क्या वो नए स्ट्रेन से लड़ पाएगा। फिर समझेंगे कि आप अपनी कार में कैसे रह सकते हैं कोरोना से सेफ। अगर आप अपनी कार में एक कोरोना इन्फेक्टेड इंसान के साथ बैठे हैं तो इन्फेक्शन का स्कोप कितना बढ़ जाता है। और फिर आपकी मुलाकात एक कोरोना वॉरियर से करवाएंगे जिन्होंने हाल ही में वैक्सीन लगवाई है। सुनेंगे उनका अनुभव और उनकी लिखी कविता उन्हीं की आवाज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स पर नजर डाल लीजिए। देश में पिछले 24 घंटों में 13,203 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 131 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते दिन 13,298 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो डर और भ्रम है उसे दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है। सूबे में जगह जगह पर पोस्ट और वॉल राइटिंग होगी, साथ ही टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक आशा वर्कर की बीते दिन अस्पताल में मौत हो गई। आशा वर्कर को कोरोना वैक्सीन 2 दिन पहले लगी थी, हालांकि अधिकारियों ने ब्रेन स्ट्रोक को मौत का कारण बताया है। देश भर में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगने के बाद अब तक कुल 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोई भी मामला वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बीते दिन निर्देश जारी कर कहा है कि पुणे के 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑफलाइन लेसन के लिए 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। बता दें कि 1 महीने पहले पीएमसी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल चुकी है। दिल्ली के मोतीनगर में वैक्सीनेशन साइट पर वेटिंग एरिया में खास संगीत का इंतजाम किया गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हेल्थ केयर वर्कर्स को ओम उच्चारण करने वाले संगीत के जरिए मेडिटेशन का एहसास कराया जा रहा है, ताकि वैक्सीन से पहले किसी भी तरह की बेचैनी को दूर रखा जा सके। जर्मनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए उस एंटीबॉडी कॉकटेल को खरीदा है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पान ने बताया है कि सरकार ने 35 अरब रुपए में 2 लाख डोज खरीदी है। यूरोप में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद 71 लोगों की मौत का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं पाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो बेहद बुजुर्ग लोगों की हुई है जो पहले ही तमाम गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए स्ट्रेन के ऊपर। तो बात यह है कि कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीजों में वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। महामारी से उबर चुके लोग कम से कम 6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से सुरक्षित रहते हैं। एक अमेरिकी रिसर्च में ये बात सामने आई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद लंबे समय तक इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव रहता है और ये वायरस के बाकी स्वरूपों जैसे कि संक्रमण के साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन को भी रोक सकता है।
नेचर नाम की एक मैगजीन में ये रिसर्च पब्लिश हुई है। मैंने गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन से बात की। डॉक्टर, सार्स कोविड से इन्फेक्ट होकर ठीक होना और जब फिर से वो अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है, लेकिन वो दूसरे किसी रूप को कैसे पहचान लेता है और उससे हमें कैसे बचाता है? एक्चुअली जो कोविड वायरस है उसके बहुत सारे एंटीजन है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो मल्टीपल एंटीबॉडीज मल्टीपल एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बने। तो म्यूटेशन जब होता है तो वो सारे एंटीजन को एक साथ कॉज नहीं करता, अलग अलग एंटीजन को इफेक्ट करता है, कुछ चार को करता है, कुछ पांच को करता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारी जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है डिपेंड करता है। अगर सपोज कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ और एक म्यूटेटेड वायरस के कॉन्टेक्ट में आता हूँ जिसके जो एंटीजन है वो अलग टाइप के है, तो अगर मेरे इन्फेक्शन जिस एंटीजन से हुआ वो एंटीजन जो नए वायरस है उसमें म्यूटेशन नहीं होती है, वो एंटीजन वैसे का वैसा प्रेजेंट होता है, तो मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा उसके अगेंस्ट। बट अगर एंटीजन म्यूटेटेड है और मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है तो मुझे री इन्फेक्शन होने का रिस्क हमेशा रहता है। फिर एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो एंटीबॉडी बेस्ड नहीं होती है, वो अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है, वो भी कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, बट वो इम्यूनिटी थोड़ा स्लो काम करती है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है वो एंटीबॉडी का ही आता है जब हमारा बॉडी किसी इन्फेक्शन को फेस करता है। तो डॉक्टर, आप इस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को कैसे देखते हैं? नहीं मैम, बहुत ही डाउटफुल है। कोविड के रिकरेंस हो रहा है, पेशेंट्स को फिर से कोविड इन्फेक्शन हो रहा है और चार चार महीने पे भी हो रहा है, केसेस रिपोर्टेड है ऐसे। तो म्यूटेशन जो है किस एंटीजन को अफेक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है तो हम री इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है उसके दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट के खिलाफ तो हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो 100% तो नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर से इन्फेक्शन नहीं हो सकता किसी और वायरस से, कोविड वायरस से जो म्यूटेटेड वायरस है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसमें जब कोविड वायरस एंटर होता है तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो हमारे बॉडी के अपने एंटीबॉडीज होते हैं, जो उस वायरस के ऊपर सरफेस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो आइडेंटिफाई करता है तो वो उसको बॉडी में अटैच नहीं होने देता, इसलिए हमारी बॉडी उस वायरस को फिर बॉडी से बाहर निकाल देती है, उसको अटैच ही नहीं होने देती, उसको उसको पहले निकाल देती है, जो नॉर्मल हमारा प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है। कोविड 19 इन्फेक्शन जो है ये विश्व में ऐसा इन्फेक्शन है पहली बार जो कभी कोई इंसान उसके कॉन्टैक्ट पे नहीं आया है। तो ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी अगेंस्ट हमारे अंदर कोई इनेट या पहले की एंटीबॉडी या कोई रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स नहीं है। तो जो भी इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आएगा उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि हमारे पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है उस वायरस को रोकने के लिए। अब क्या होता है कि जब हमें कोविड का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उन एंटीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेती है और उस एंटीजन को जो है एंटीबॉडीज बनाती है उसके अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज उस वायरस को आइडेंटिफाई करके फिर धीरे धीरे खत्म करता है। अब ये प्रोसेस जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का है वो लगभग 3 से 4 हफ्ता लगता है, तो हमें उस टाइम तक बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आने तक हमें वेट करना पड़ता है, और यही एंटीबॉडी 3 से 6 महीने तक हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट करता है हमें फ्यूचर इन्फेक्शन से। अब एक वायरस में बहुत सारे एंटीजन होते हैं अलग अलग टाइप के, कुछ स्पाइक एंटीजन होते हैं, कुछ अंदर के बॉडी के सरफेस वायरस के बॉडी सरफेस एंटीजन होते हैं, तो अलग अलग एंटीबॉडीज का एक सेट बनता है। अब वायरस जैसे इवॉल्व होता है विद टाइम, उसमें वो क्या करता है अपने एंटीजन्स को म्यूटेट कर देता है या चेंज कर देता है। तो अब हमारी एंटीबॉडी जो है ऐसे चेंज एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं करती है, वो उसको वो कर देती है, इग्नोर कर देती है और उसको बॉडी में घुसने का मौका मिल जाता है। अब एक वायरस में सपोज 10 एंटीजन है और उसमें 4 एंटीजन म्यूटेट हो गया और हमारे बॉडी में 10 एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है,
तो बाकी चार एंटीजन जो है उसमें जो म्यूटेटेड नहीं है हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज उसको आइडेंटिफाई करके इन्फेक्शन को रोक लेते हैं। बट अगर सपोज 10 एंटीजन है, हमारे बॉडी ने सिर्फ 5 एंटीबॉडी बनाए उसके, 5 एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया और वो 500 के 500 म्यूटेट हो गए एंटीजन और डिफरेंट एंटीजन के फॉर्म में आता है, तो फिर हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है उस एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी उस एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एंड वो इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो ये थे डॉक्टर कृष्णन जिन्हें आप सुन रहे थे, शुक्रिया डॉक्टर। अब महामारी की वजह से एकदम फ्री होकर घूमने पर तो जैसे ग्रहण लग गया, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग और फिर मास्क कंपलसरी, यहाँ तक कि कार में भी। बहरहाल ये हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन एक रिसर्च में ये कहा गया है कि कार का आकार छोटा होने के कारण इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में एरोसोल पार्टिकल्स यानी बोलते समय निकलने वाले छोटे कण से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, किसने की है ये रिसर्च और इसमें किन बातों पर जोर दिया गया है, विस्तार से बता रहे हैं प्रतीक वाघमारे। जी खुशबू, कार में होने वाले संक्रमण के खतरे को जानने के लिए मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर मॉडल के जरिए ये जानने का प्रयास किया कि कार में वायरस के फैलने का जो खतरा है उसे किस तरह कम किया जा सकता है। दरअसल उन्होंने अपने अध्ययन में इस बात की पुष्टि की है कि कार में ड्राइवर सीट और पीछे की तरफ क्रॉस में खिड़की को खुला रखा जाए तो संक्रमण का खतरा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर और पीछे की सीट पर क्रॉस में एक ही व्यक्ति यदि बैठता है तो इससे भी जोखिम को कम किया जा सकता है। एक और अहम चीज़ जो सामने आई है खुशबू यहाँ पर, कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप 20 मिनट तक कार में राइड करें, वो स्कूली क्लास या फिर रेस्टोरेंट में बैठकर इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ एक घंटे तक समय बिताए जाने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन जगहों पर तो वेंटिलेशन भी होता है लेकिन अगर कार में आपके शीशे बंद हैं तो हवा निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। तो इसीलिए कार में बैठना किसी व्यक्ति के साथ 20 मिनटों तक भी वो ज़्यादा खतरनाक है। अब ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप खिड़कियों को पूरा ही खोल लें, क्योंकि अगर आप कारों की चारों खिड़कियां खोल लेंगे या आधा भी खोल देते हैं तो ये भी उतना ही इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि वायरस तो हवा में भी है। तो रिसर्चर्स ने एरोसोल के मूवमेंट को जानने के लिए कार के अंदर के एयर फ्लो को मापा है। इसके लिए कार की खिड़कियों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में खोला और बंद किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में रिसर्चर्स ने पाया कि चारों खिड़कियां जब बंद थी तो एयर फ्लो सबसे कम था, मतलब ये कि ऐसे सिचुएशन में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही एक कार की स्टडी की है। इसमें आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड ड्राइवर और पीछे की सीट पर राइट हैंड साइड की तरफ एक यात्री बैठा था। इस तरह कार में प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग बरती गई। ऐसे में पाया ये गया कि चलती हुई कार के बाहर जो हवा घूमती है वो कार के अंदर एक दबाव बनाती है, लिहाजा अगर कार में क्रॉस खिड़की खुली रहे तो कोरोना का संक्रमण का खतरा कम होगा। शुक्रिया प्रतीक। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो आपकी मुलाकात एक कोरोना वॉरियर से करवाएंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उनकी लिखी कविता उन्हीं की आवाज में आपको सुनवाएंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो आप सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है, ज्ञान की बातें हैं, मजेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहे। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। एक बार फिर से स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ।
आज आपकी मुलाकात लतिका रोहिला से करवाती हूँ। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हाथ में थोड़ी स्टिफनेस थी। आगे इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर पर माहौल के बारे में बताया है, कहाँ से इन्हें पूरी सटीक जानकारी मिली वैक्सीनेशन के बारे में। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है, सुनिए। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी कोई आपको साइड इफेक्ट या कोई थकान इस तरीके की कोई चीज महसूस हो रही है लतिका? नहीं, मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है। जिस तरह से किसी भी इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लोकल पेन होना नॉर्मल है, उतनी सी पेन थी और थोड़ा सा हाथ में स्टिफनेस, जैसे कह सकते हैं इंजेक्शन जो किसी के भी बाद होती है उतना ही था। उससे ज्यादा मुझे कोई भी प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन लगाए मुझे अभी 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तो अभी डॉक्टर्स ने कोई प्रिकॉशन देने को बोला है आपको आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसी कोई प्रिकॉशंस लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे इसके इस तरह से कुछ बताया गया है। मुझे वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी इंजेक्शन लगाने से पहले दी गई थी, मेरा कंसेंट लिया गया था और पूछा गया था कि क्या मुझे किसी खाने के प्रोडक्ट से या किसी और केमिकल ड्रग से कोई एलर्जी है, ये सब पूछा गया था और उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगाया गया था। क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था जिसमें आपको रजिस्टर कराया गया हो, जिसके थ्रू आप रजिस्टर हुई हो वैक्सीन के लिए? ठीक है, जिस तरह से अभी आपको पता है अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो इन्होंने एक ऐप बनाई हुई है जिसका नाम है कोविन ऐप। जी, तो उस ऐप के थ्रू और आपका जो आपके डिपार्टमेंट या जिस भी आप इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के अंदर हैं वहाँ से पूरी लिस्ट गई है जो कि पोर्टल में अपडेटेड है, तो वहाँ पे आपका पहले नाम और फोन नंबर चेक किया जाता है और जिस दिन आपकी बारी होती है आपको बकायदा उस दिन SMS के जरिए बताया जाता है कि आज आपकी बारी है और आपने इस समय आना है वैक्सीनेशन सेंटर पर। फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपका पोर्टल में नाम चेक किया जाता है, आपकी एंट्री की जाती है, कंसेंट लेना और आपसे जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इस वैक्सीन की उनके बारे में जानकारी लेकर फिर आपको वैक्सीन लगाई जाती है। आधे घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन एरिया में बिठाया जाता है, उसके बाद आपकी पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की जाती है। इसके दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे मौजूद जो वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे आप कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। आधे घंटे के बाद फिर आप घर जा सकते हैं। जी, जब आप लतिका वहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंची थी सेंटर पर, तो क्या माहौल था, क्या कुछ थोड़ा बहुत डर आपको लगा वैक्सीन लगवाने से पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सबके चेहरे पर एक खुशी की झलक हम देख सकते थे क्योंकि सब बहुत खुश हैं कि पहले जिस तरह से पैंडेमिक रूप में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया, नाउ वी नो कि अब हम सेफ हैं, वैक्सीनेशन से धीरे धीरे सिचुएशन को काबू में लाया जा सकता है, तो हर कोई वहां पे खुश था। और मैं क्या, मेरे आसपास भी बाकी जो लोग आए हुए थे उनमें से भी मुझे कोई भी डरा हुआ नहीं लगा। अच्छा, उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगी जिन लोगों के मन में थोड़ा सा अभी डर है वैक्सीन को लेकर? हाँ जी, जरूर, मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन से डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन दी जाती है और उसे ऑलमोस्ट 7-8 बीमारियों से बचाया जाता है, उसी तरह से ये वैक्सीन भी काम कर रही है। और फिलहाल जितना मेरी नॉलेज है, मेरे सेंटर में ऑलमोस्ट नियरली 500 लोगों को वैक्सीनेशन लगी है मेरे अलावा, लेकिन हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आप सबको भी अपनी बारी का इंतजार करना है, बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवानी है और एक दूसरे को भी पॉजिटिव मैसेज ही स्प्रेड करना है। तो ये थी लतिका रोहिला, जिनसे आप उनके वैक्सीन लगवाने का अनुभव सुन रहे थे। इन्होंने कोरोना महामारी से हमारी लड़ाई को जन आंदोलन बताते हुए छोटी सी कविता में पिरोया है और एक संदेश हम सभी के नाम भेजा है। आज का कोरोना कवरेज को यहीं विराम देती हूँ, आप इनकी कविता सुनिए। नमस्कार। नया वर्ष लाया है एक नई उमंग, लेकिन COVID-19 से जारी रहेगी ये जंग। रखेंगे दिलों में एकता पूरी, पर भूलेंगे नहीं सामाजिक दूरी। हाथ धोएंगे बार बार, चाहे हो कोई दिन या त्योहार। अभी भी यही है हमारा नारा, COVID-19 के खिलाफ मास्क हथियार है हमारा। वैक्सीन जरूर लगवाना है, पर ये 3 प्रण रखेंगे कायम। पूरा काबू अभी पाना है, इसलिए बरकरार रखेंगे धैर्य और संयम। ये है युद्ध, ये है जन आंदोलन, दिखा चुके हैं हम अपने मन की ताकत। करेंगे सब काम, पर मास्क रहेगा हर वक्त, क्योंकि ये है युद्ध, ये है जन आंदोलन।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।